अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहर हुसैन और आज हम लोग आ गए हैं लिटिल डिंग डोंग साइंस पार्क में। तो ये एक साइंस पार्क है और यहाँ पर आने की वजह यह है कि आज इन लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है स्नो बोर्डिंग सिखाना। तो स्नो बोर्डिंग आज हम सीखेंगे तो नहीं, मगर इंशाल्लाह मैं विज़िट करूँगा उस जगह पर और देखूँगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से है। आप लोगों को शो करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे पीछे आप लोग पार्किंग तो देख सकते हैं, यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और मगर हम लोगों ने टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन परचेज़ कर लिए थे, तो हम लोगों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत पड़नी तो नहीं चाहिए। बाकी आगे अल्लाह मालिक है। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एंट्रेंस पर हम लोग इधर मौजूद हैं और मेन एंट्रेंस जो है वो देखने में तो बहुत ही एक्साइटमेंट का अंदाज़ा हो रहा है, लग रहा है कि अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलें अंदर चेक करते हैं अंदर है क्या क्या। Go. ये जो मेरे पीछे पूल है ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ समर में एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि अभी विंटर है और विंटर के अंदर सर्दी तो शदीद है। तो हम लोग अभी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है, जिसके लिए हम लोग आए हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना अपना स्नो बोर्डिंग वगैरह की तरफ जाना है।少一点的肉，不然那个会盘。
तो लेट लास्ट हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। सबसे पहले हम लोगों ने स्की देखी। हेलो, ये जो जमीन पर आप देख रहे हैं निशाना, इनका ये साइजेज हैं। हम लोगों ने इससे साइज लिया है और साइज लेने के बाद हम लोगों को पता चला है कि हम लोगों को कौन से शूज पहनने हैं। तो वी आर ऑल सेट ना हो, हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाकर बर्फबारी के मज़े लेने के लिए। यहाँ पर सचमुच ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ ना, एक अपना स्नोई वादी के अंदर आ गया हूँ। और ये जो है ना, मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोच है जो सिखा रहा है बच्चों को स्नो बोर्डिंग वगैरह। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है स्नो बोर्डिंग की, मगर अगर मैं चाहता तो स्नो बोर्डिंग करवा सकता, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता और टाइम अपना इतना टाइम मेरे पास मौजूद नहीं था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है वो करेंगे।
很冷耶，融化耶。好了，很厉害哦，好厉害哦。没有眼睛啊。Happy New Year. Happy. Happy New Year. OK. 啊！तो मेरे पीछे जो दीवार है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप कितनी जोर से चिल्ला सकते हैं, तो ये इसका एक हम लोगों को टेस्ट है और यहाँ पर आप सब लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। ये जो था डिश टाइप की चीज़ें, इसके अंदर ये इन्होंने साइंस रखी हुई है कि राइट हैंड के साइड पर अगर आप आराम हल्की हल्की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी। तो ये एक तरीके से टेलीफोन, इन्होंने बताया कि एक टेलीफोन का तरीक़ेकार है कि टेलीफोन की ईजाद किस तरह हुई थी स्टार्टिंग में।抓蛤蜊的那边有没有？嗯。去那个鱼的那边。嗯。就是在那里。西滨公路，西滨，我们每次走海边的那个高速公路。然后焚化炉，烧垃圾的地方。嗯。那边，南寮渔港，南寮 fishing port， 在那边，在旁边那边。इस बार हम लोग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं और आहिस्ता की वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ गूंज रही है। ओह रियली वेरी गुड साइन। आओ मछुआरा। तो इस वक्त मेरे पीछे जो है वो सन डायल है और यहाँ पर जो है मैं एक वक्त एक माउंटेन पे खड़ा हुआ हूँ जो लिटिल डिंगडोंग शाओ तिंतांग के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर अभी सूरज तो मौजूद है नहीं, इस वजह से आप लोगों को मैं पूरी फुटेज तो दिखा नहीं सकता कि ये किस तरीके से वर्क करता था, मगर ये आप लोगों ने को पता है कि ये जो है सूरज की रोशनी इस तरीके से इन लोगों ने बनाया होता है कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ वहाँ इसका शेडो जो है वो टाइम शो करता है। Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I care? Okay, from where did I come? Wow.
ओह एट लास्ट मैंने इस हाउस को कॉन्क्वर कर लिया है, लेकिन इतना आसान नहीं था जितना आसान लग रहा था इसके अंदर जाने से पहले। ओह सर बिल्कुल चकरा रहा है। तो इधर यहाँ पर ये सेक्शन है कि अगर आप 10 सेकंड तक इधर लाइट जलेगी उसके बाद अगर आप खड़े रहेंगे दीवार पर तो आपका शेडो यहीं पर रह जाएगा। तो देखते हैं इसके पीछे क्या साइंस है और ये सचमुच ऐसा हो सकता है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। होप आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और जगह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।